ठीक है तो शुरू करते हैं हम लोग टंग से माउथ आपने देख लिया माउथ में एक पार्ट होता है टंग कहते हैं ना जुबान होती है बड़े लोगों को सुने हुए कहते होंगे जुबान बहुत चलती है तो जुबान चलती है तो चलिए दिखाते हैं आपको जुबान चलती कैसे है और जुबान आपकी जुबान को टेस्ट कैसे आता है ये भी देखेंगे क्योंकि कोई भी टेस्ट कुछ खाने का मन होता है तो वो कहाँ में टेस्ट मिलता है सिर्फ जुबान पे मिलता है हमारी टंग पे मिलता है उसके बाद तो अंदर क्या जा रहा है डाइजेस्ट हो रहा है इसका आपको कुछ भी पता नहीं होता है तो सिर्फ टेस्ट बर्ड जो होता है हमारे टंग पे होता है और इतने से पार्ट के लिए हमें हर अलग अलग चीज अलग अलग दिन खाने का मन करता है लेट्स सी सबसे पहले हम लोग टंग को देखते हैं द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाई मस्कुलर लार्ज मोबाइल टंग जो फ्लोर होता है माउथ का माउथ का जो फ्लोर होता है वो एक ऐसे शेप से कवर होता है होता है ना इसे ही हम लोग टंग बोलते हैं टंग जो होता है ये मस्कुलर होता है जुबान में हमारी हड्डियां नहीं होती हैं, बोन्स नहीं होते हैं यहाँ पे और ये मस्कुलर होता है सिर्फ मसल्स के बने होते हैं सी इट रिमेन अटैच टू अंडर सर्फस टू द फ्लोर बाई फोल्ड ऑफ फेरेनम हमारी जो टंग है ये नीचे से अटैच होती है तभी तो एकदम ऊपर नहीं उठ पाती है एकदम मतलब अगर सोचिए अटैच ना हो तो, तो बाहर आ जाए ऐसे ऐसे गो में निकल के जैसे स्नेक की टंग निकल के घूमती है बट ह्यूमंस में जो टंग होती है वो अटैच होती है नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन से जिसे हम लोग लिंक्यूनल फेरेनम कहते हैं ठीक है आप देखिएगा कि आप अपनी ज़ुबान को जब उठाएंगे तो आपको फील होगा कि वो नीचे से किसी चीज़ से चिपकी हुई है अटैच है कोई उसको रोक रहा है वो क्या होते हैं वो होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन ठीक The tongue is covered with mucous membrane and its upper surface is raised into lingual papillae which contain microscopic taste buds. जो टंग है ये पूरा टंग कवर्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से उसके बाद इसका जो अपर सरफेस होता है इस पर अलग अलग लिंगविनल पैपली होते हैं ठीक like, है लाइक फॉलेट पैपली है वैलेट पैपली है और अलग अलग ऐसे पैपली होते हैं। इसी में टेस्ट बड होते हैं हमारे जो हमें स्वीट सॉल्टी खट्टा मीठा तीखा ये सब खाने पे हमें पता चलता है तो ये ब्रीफ है टंग क्या है टंग हमारे माउथ का फ्लोर होता है जो कि मस्कुलर होता है ये अटैच uh, होता है सरफेस से जो नीचे uh, टंग के नीचे सरफेस होती है उससे ये अटैच होता है फ्लो से अटैच होता है और ये अटैच्ड होता है बाय द फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड से ये अटैच होता है उसके बाद ये कवर्ड होते हैं पूरा जो टंग होता है ये कवर्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से इसके जो ऊपर सर्फेस होते हैं उस पर अलग अलग पेपली होते हैं जो हमें टेस्ट प्रोवाइड करते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं चलो भाई आगे हाँ ये है आपके लिंगुअल पैपली अब ये लिंगुअल पैपली क्या होते हैं लेट्स सी इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये पैपली पैपली है क्या तो हमारा जो टंग है इसपे कुछ रफ अपर सरफेस होते हैं आपका जो टंग होता है ना इसके ऊपर रफ सरफेस है ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा इस पे रफ सरफेस है आप फील करिए अभी अभी आपको समझ में आएगा कि आपकी टंग पे रफ सरफेस है नहीं तो मिरर में जाके देखिए अब ये जो सरफेस है ना ये तीन टाइप के होते हैं सी जो हम लोग पैपली की बात करें तो ये एक फिलीफॉर्म होता है फिलीफॉर्म कहाँ है लेट्स सी हाँ ये है फिलीफॉर्म पैपली जो टंग है टंग को मान लीजिए आपने ऐसे दो पार्ट में देखे तो एकदम दोनों पार्ट के आसपास जो है ये है आपका फिलीफॉर्म पैपली इसके बाद है फंजी फॉर्म ये यहाँ से ये 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 फनजी फॉम पैपली है तीसरा है सरकम वैलेट तो ये जो अंदर है इनसाइड वाला पार्ट है ये है सरकम वैलेट पैपली ये अलग अलग पैपली हैं ये रफ होते हैं ये हमें टेस्ट बर्ड लेने में हेल्प करते चलिए देखिए कौन से पार्ट टेस्ट बर्ड लेने में हेल्प करते हैं और किससे हमें पता चलता है कि हमें मीठा टेस्ट आ रहा है कि खट्टा आ रहा है कि तीखा आ रहा है कैसा आ रहा है तो आपको पता है टंग हमारी टेस्ट लेने में बहुत बड़ी हेल्प करती है ठीक है दो मिनट का टेस्ट होता है टेस्ट आता है उसके बाद तो फूड डाइजेशन के लिए अंदर चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया भाई है सी टंग इज एन ऑर्गन ऑफ टेस्ट ये तो पता ही है कि टंग से ही हमें टेस्ट मिलता है

सेंसरी ऑर्गन में क्यों आता है क्योंकि बहुत इजीली सेंस कर लेता है कि क्या खा रहे हो मीठा खा रहे हो खट्टा खा रहे हो तीखा खा रहे हो और बहुत स्पाइसी खा रहे हो क्या खा रहे हो सब पता कर देता है करेला खा रहे हो गुड़ खा रहे हो चॉकलेट खा रहे हो वट तो जो टेस्ट बड होते हैं ना ये अलग अलग टेस्ट होते हैं लाइक आपके जो टेस्ट बड है मीठा चॉकलेट मिठाइयाँ रसगुल्ले जो भी आप खा रहे हो वो मीठे होते हैं या चीनी खा रहे हो कॉफ़ी पी रहे हो चाय पी रहे हो और लेमन वाटर में चीनी डाल के पी रहे हो तो मीठा है तो ये सब मीठी चीज़ें जो होती है ना ये हमें इस वाले पोर्शन से समझ में आती हैं जो आपके टंग का एकदम आगे वाला हिस्सा है उससे समझ में आती हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई फूड लीजिएगा मीठा भी खट्टा भी तीखा भी सब लेके अभी बैठ जाइएगा और उसके बाद आप टेस्ट करना स्टार्ट करिए तो जैसे वीडियो को पॉज कर दीजिए जाइए फूड कलेक्ट करके आइए फिर आप देखिए ठीक हम लोग देखते हैं ये स्वीट है इतना जो आगे वाला पोर्शन होता है एकदम एकदम जो फ्रंट पे पोर्शन होता है वहाँ से आपको स्वीट टेस्ट आएगा मीठा मीठा टेस्ट आएगा इसके बाद यहाँ से आपको सॉल्टी टेस्ट आएगा जो जस्ट उसके पीछे वाला होगा उसे जो आप नमकीन खाओगे कुरकुरे खाओगे चिप्स खाओगे वो टेस्ट आएंगे ठीक अब इसके बाद इसके पीछे सावर टेस्ट आएगा अब इसके लिए आपको करेला खाना पड़ेगा तो करेले का टेस्ट आपको इस वाले हिस्से से आएगा इसके बाद एकदम पीछे बिटर टेस्ट आएगा जो एकदम कड़वा होता है ना वो वाला टेस्ट बिटर एकदम पीछे आएगा जो आप करेला खाओगे उसको यहाँ पे आपका टेस्ट आएगा यहाँ पे आपको स्पाइसी फूड का टेस्ट आएगा खट्टा टेस्ट आएगा ऐसे सारे टेस्ट अलग अलग पॉइंट्स आएंगे तो आप स्वीट भी और उसके बाद सॉल्टी फूड भी उसके बाद स्पाइसी फ़ूड भी ये सारे फूड बिटर फूड भी ये सारे फूड लेके कर बैठ जाना नहीं तो जिस दिन भी खाना उस दिन अपनी टंग को याद कर लेना कि कौन से हिस्से से हमें खाना है ठीक है तो आपको सब समझ में आएगा कि किस हिस्से से आपको क्या टेस्ट आ रहा है और आपको याद भी हो जाएगा इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे बेसिक चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं वो हम करके याद रख सकते हैं इसके लिए हमें ज़्यादा पढ़ने की या दिमाग लगाने की या स्टोर करने की अपने माइंड में इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए क्योंकि भैया स्टोरेज ही है ज्यादा स्टोर भी तो नहीं कर सकते ना अब हम लोग देखते हैं कि हमारे टंग का फंक्शन क्या है अब आपने तो टेस्ट ले लिया सब कुछ का लेकिन अब इसके अलावा भी तो कुछ फंक्शन है जो आपके टंग के हैं और उसको कंपल्सरी उसे करना है सिर्फ खाना और बोलना ही टेस्ट लेना ही इतना ही इसका काम नहीं है बहुत सारे काम हैं जिसमें हमारी टंग इन्वॉल्व होती है ठीक? सी, like जब हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, तो ये स्पून की तरह इधर उधर फूड को करने में हेल्प करती है दूसरी बात कि ये हमारे फूड को दांतों के नीचे ले जाने में भी हेल्प करती है जब आप अगली बार फूड खाइएगा आप तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या आपके टंग आपके फूड बाइट्स को इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं या आप खुद से कर ले रहे हो तो वहाँ पे भी हम लोग ध्यान नहीं रहता इतनी चीज़ों का लेकिन जब ध्यान से देखें कि हमारी बॉडी में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है कैसे हो रहा है आँख कैसे बंद हो रही है कैसे खुल रही है जब हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं ब्रीद आउट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं जब कोई फूड जा रहा है तो कहाँ से फील हो रहा है जब आप कहीं से भागे भागे आते हो बहुत थक जाते हो तो जब आप पानी पीते हो तो पानी आपको पूरा फील होता है जब आप ठंडा पानी पियो और गला एकदम सूखा रहे तो पूरा फील होगा कि गले से नीचे जाते हुए पेट में फील होता है ऐसा मुझे तो फील हुआ है कई बार ठीक ऐसे ही आप भी आज फील करिएगा जब आप कुछ भी खाइएगा तो आप चेक करिएगा क्या आपके टित्त के अन, आपकी जो टंग है वो आपके फूड को टित के नीचे ले जा रही है या नहीं ठीक इट मूव फूड इन बकल कैविटी फॉर मिक्सिंग ऑफ सिलाइवा अब ये क्या करते हैं हमारे जो हम लोग फूड खा रहे हैं उसमें सलाइवा को भी मिक्स करते हैं सिलावरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में होते हैं वो हमारे फूड uh, में सलाइवा को मिक्स करते हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और टंग उसमें मिक्सिंग में हेल्प करती है इट हेल्प इन स्वेलोइंग फूड अब जैसे आप फूड को स्वेल करने में भी हेल्प करते हैं स्वेल करना मतलब फूल जाना तो जब आप कुछ भी खाते हो लाइक बिस्किट ही ले लो तो बिस्किट जब खाओगे तो जब एक कट बाइट लोगे तो वो कच्च से आवाज़ करता है खट से आवाज करता है उसके बाद जब वो माउथ में चला जाता है तो कुछ देर बाद वो गीला हो जाता है वहाँ पे। क्यों हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सलाइवा होते हैं और उससे वो मिक्स होके गीला हो जाता है जो कि उसको स्वेलअप करने में हेल्प करता है कोई भी चीज़ जब स्वेलिंग हो जाती है जब वो फूल जाती है तो उसका डाउन होना ईजी हो जाता है वो टूट अच्छे से जाएगी नाउ इट क्लीन द teeth बाई रिमूविंग स्मॉल फूड पार्टिकल from their सर्फेस अब अगर आपके दांत में कुछ फंस जाता है तो सबसे पहले कौन क्लीन करता है आपकी टंग क्लीन करती है लाइक अगर आपने मैंगो खा लिया मैंगो का सीजन आ रहा है तो मैंगो में रेशे होते हैं रेशे अगर दांत में फंस जाते हैं तो जुबान वहीं में बार बार जाती है उसको निकालने के लिए तो ये हमारी जो टंग होती है ना ये क्लीनिंग में भी हेल्प करती है हमारे टित्त के इट हेल्प इन स्पीकिंग अब भाई बोलने में भी हेल्प करती है जैसे घर में बड़े लोग आते हैं तो क्या कहते हैं बहुत बोल रहे हैं आपके बच्चे तो बच्चों को बोलने में कहना अब हम नहीं बोलते हमारी ज़ुबान बोलती है तो ये ज़ुबान जो है हमारी ये बोलने में भी हेल्प करती है नाउ इट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट ये टेस्ट लेने के लिए सबसे मेन ऑर्गन होती है कि क्या मीठा है क्या खट्टा है क्या तीखा है कैसा है तभी तो हम लोग बोलते हैं नहीं मुझे करेला नहीं पसंद मुझे मीठा नहीं पसंद मुझे खट्टा नहीं पसंद क्यों क्योंकि टेस्ट बर्ड ही हमें आते हैं वैसे तो वो हमें अच्छा लगता है कभी कभी नहीं अच्छा लगता इट कीप्स द माउथ मॉइस्ट बाय द सिक्रीशन ऑफ बोथ म्यूकस एंड सीरियस ऑफ वाटर लाइक फ्लूड ये हमारे माउथ को वेट भी रखती है लाइक like, आप देखो हमेशा आपका माउथ वेट रहता है गीला रहता है तो ये क्या करते हैं हमारे माउथ में जो बहुत सारे ग्लैंस हैं सलावरी ग्लैंस हैं तो उससे आप जो पानी पी रहे हो जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है तो ये हमारे टंग जो है वो हेल्प करती है उसको पूरे माउथ में स्प्रेड करने में जिससे हमारा माउथ वेट रहता है ठीक है इन डॉग्स ड्यूरिंग पेंटिंग इट हैल्प द थर्मो रेगुलेटरी बाई क्विक इवेपोरेशन ऑफ वाटर ऑफ सलाइवा अच्छा आप देखिए डॉग्स हमेशा अपनी टंग को बाहर रखते हैं क्यों रखते हैं क्योंकि वो उनका टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है टेम्परेचर को इवेपोरेट करता है मतलब अग उनको बहुत गर्मी होती है तो वो अपनी जुबान बाहर निकाले रहते हैं जिससे कि टेम्परेचर उनका मेंटेन हो सके नाउ इन सम एमल्स टंग इज़ यूज टू क्लीन स्किन बाई लिकिंग अच्छा आप कुछ एनिमल्स को आपने देखा होगा कि वो अपनी स्किन को टंग से ही लीक करके क्लीन करते हैं लाइक like, अगर कुछ लग जाए कहीं पे इचिंग हो रही है कुछ प्रॉब्लम है कुछ मान लीजिए वनस हो जाते हैं घाव हो जाता है तो वहाँ पे वो अपनी टंग से ही लीक करके क्लीन करते हैं तो ये सारे फंक्शन हैं आपके टंग के जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे डाइजेशन में और हमारी डे टू डे लाइफ में ठीक तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो टंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में ठीक है नाउ कम टू द ओसोफेगस ओसोफेगस क्या होता है फूड पाइप होता है जो हमारे माउथ के बाद डायरेक्ट ये जो हमारे नेक से होते हुए स्टमक तक होता है ये एक पाइप होता है जो हमारे फूड को स्टमक तक पहुंचा देता है ठीक सी ये यहाँ पे स्टमक में हमारा फूड पहुंच गया है यहाँ से आपने लिया यहाँ से माउथ से ट्रेवल करते हुए ये ओसोफेगस है फूड पाइप है पूरा और ये यहाँ से ट्रेवल करते हुए स्टमक तक पहुंचा देता है मेन यही होता है आपका ओसो फैगस चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या होता है कितना लंबा चौड़ा होता है सी इट कंडक्ट द फ़ूड जो हमारे जो यहाँ पे गले से शुरू होता है और ये पूरा हमारे स्टमक तक जाता है द ओसो इज अ कोलेप्सबल मस्कुलर ट्यूब 25 फाइव टू

अब इसमें मस्कुलर कोटिंग होती है कोटिंग इसलिए होती है कि ये हमारे फूड को स्टमक तक इजीली पहुंचा दे बिना किसी हर डल के अगर सोचिए यहाँ पे आपके जो फूड पाइप है इसमें ये स्मूथ ना हो ये मसल्स ना हो बोन्स हो तो क्या होगा फूड जो है इन बोन्स में फंसते चला जाएगा और अगर ये सॉफ्ट नहीं रहेगा रफ़ रहेगा तो भी यहाँ पे फूड फंसते चला जाएगा इसीलिए ये एकदम स्मूथ होता है एकदम क्लीन जैसे पाइप देखते हैं पाइप होती है तो उस वो क्या होती है एकदम क्लीन एकदम स्मूथ होती है उससे जब वाटर का फ्लो होता है तो डायरेक्ट हो जाता है उसमें कुछ भी फंसता नहीं है सेम ऐसे ही ये भी होता है हमारी फूड पाइप भी होती है देर आर नो डाइजेस्टिव ग्लैंड बट ओनली मस्कुलर ग्लैंड इन ओसोफेगस ये हमारा इस ये जो ओसोफेगस होता है इसमें कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है लाइक like जैसे हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड है तो यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है. ये सिर्फ ट्रांसफ़र करती है ये सिर्फ ट्रांसफ़र करता है फूड को हमारे नेक से लेके माउथ से लेके पूरा नेक होते हुए स्टमक तक तो माउथ से लेके स्टमक तक जो हमारा एक पाइप है जो हमारा एक सोच है एक मीडियम है फूड को ट्रेवल करने का दैट इज़ ओसोफेगस दो चीज़ें याद रखिएगा एक तो इसकी लेंथ और ब्रेथ कि ये 25 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है सेंटीमीटर और 25 टू 30 मिलीमीटर mm थिकनेस है इसकी दूसरा इसकी मस्कुलर कोटिंग होती है जो हमें पैरास्ल्टिक एक्शन करने में हेल्प करती है ठीक है ये फूड को हमारे स्टमक तक पहुंचाती है तो ये आपका टंग और ओसोफेगस है ठीक है आई होप क्लियर होगा नहीं क्लियर है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जो भी आपको प्रॉब्लम हो जो चीज़ आपको क्लियर ना हो आई विल डेफिनेटली गिव यू ऑल आंसर्स दूसरी चीज़ सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे टेलीग्राम बियर एंड बेरी के ही नाम से है अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं सो थैंक यू गुड बाय टेक केयर